हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंसूरी। तो गाइस गोवा के व्लॉग आप लोग इंतजार दे रहे। गोवा से मैं वापस आ गया और गोवा से आने के बाद एक झटका लगा मुझे बहुत तगड़ा। घर पे आते ही, घर पे आके देखा तो घर पे कोई नहीं है, वाइफ मेरी है नहीं यहाँ पे, घर छोड़ के अपने घर चली गई है। तो बताया घर वालों ने कि जैसे मैं गोवा गया तो वो भी अपने घर चली गई। उसने कहा मैं अकेले रहूँगी नहीं, तो वो भी घर छोड़ के चली गई है और अम्मी वगैरह गाँव गई हैं। बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, मतलब यहाँ आते ही सोचा जाके सीधा अपनी वाइफ से मिलूँगा। वाइफ इतना होता, इतने दिनों से दूर था यार, 6-7 दिन मैं वहाँ रह के आया और आते ही इतना बड़ा झटका लगा कि वाइफ है ही नहीं, वाइफ घर छोड़ के चली गई मेरी। किसकी वजह से? मेरी वजह से, मेरी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। बड़ा एक धक्का सा लगा यार यहाँ आके, तो काफ़ी मूड ऑफ था, सो गया मैं। फिर मैंने उठा, मैं कहा चलो यार व्लॉग बनाते हैं। घर में कोई है नहीं, पूरा घर खाली है, सिर्फ मैं हूँ, पापा हैं और पूरा घर खाली है, भाभी वगैरह हैं वो ऊपर हैं, अम्मी गांव चली गई। अकेला अकेलापन बड़ा फील हो रहा है यार, बड़ा बुरा सा लग रहा है। देखो जब अकेला बंदा रहता है तो, वाइफ है नहीं, घर छोड़ के चली गई, कूड़ा कबाड़ा सब यहीं पड़ा हुआ है और ये भी खाली, सबका सब खाली पड़ा हुआ है। तो कहाँ चली गई छोड़ के? क्यों गई छोड़ के? मैं यार कितनी आराम से कैसे बोल लिए तुम? मैं छोड़ के गया था, मैं तो घूमने गया था यार। मैं आया रात में, मैंने कहा देखूं मिलूंगा अपनी बहू से, मेरी बहू गया यहाँ से। इतना गड़ी है रात में, कोई था थोड़ी, अभी पूछा मैंने, रात में आया था ना मैं, देखा बहू गायब है हमारी यहाँ से, मैंने बहू गई घर छोड़ के हमारी, तो ये मोहतरमा बहू गोल घर छोड़ के बस गई है, बहुत आराम है, गलत बात है। देखिए पूरा का पूरा कैसे पढ़ा के ले यार, सब कुछ करना पड़ता है, गलत है यार ये। ना क्या ये, चल मजे ले बाद में बात, अच्छी नहीं लग रही, चल मजे ले रही है, बाद में बात करूंगा। देखो कितना मस्ती में, कितना मतलब खुश है बिल्कुल, कि भाई साहब गई है तो मजे में बिल्कुल बेहतरीन, ये हाल है। चलो अपना खुद भैया लगे कुछ ना कुछ करें, खाए पिए और क्या करना है यार। तो देखा गाइस तुम लोगों ने, ये हरकतें हैं इसलिए मोहतरमा चली गई, तो हमें अकेले ही करना पड़ेगा सुबह नाश्ता, तो सब कुछ बनाना पड़ेगा। भाभी ऊपर है, क्या भाभी को परेशान करो यार, अच्छा नहीं लगता है छोटे मोटे कामों के लिए। तो चलो किचन में आओ, अपना खाते पीते हैं कुछ। तो ये फ्रिज में से लिया हमने दूध, ये क्या हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया ये? कैसा अजीब सा लग रहा है। हाँ सही है, तो ये लिया फ्रिज में दूध और जलाते हैं गैस, इसको करते हैं गर्म। तो ये भी एक दिन है भाई, बीवी घर पे नहीं है तो भाई खुद ही लगे रहो। तो बड़ी यार आरामी हो यार सोनम तुम, मतलब मैं गोवा गया तो तुम छोड़ के चली गए, मैं आया इतनी उम्मीद में, खुशी से मैं कहा चलो जैसे ही पहुँचूंगा भाई तुरंत अपनी बीवी से मिलूंगा, तुरंत आते ही। और 6 दिन बाद होता है यार, 6 दिन हो गए हैं बाहर रहते हुए, तो मज़ा सा आ जाएगा मिलके। और तुम सीधा घर निकल लिया, बताया भी नहीं मुझे, बहुत सही बात कर रहा हूँ, तो इन्हें बताया ही नहीं कि मैं घर आ गई हूँ अपने, घर छोड़ के चल दी। चलो बताएंगे तुम्हें भी हम, तो चलो बाहर झांकते हैं, थोड़ा सा बाहर झांकते ही, हालत है बहुत ख़राब हमारे रोड की, रोड बन रहा है, आपको पहले भी दिखाया था मैंने, पूरा का पूरा रोड खुदा पड़ा है। तो अभी क्या है, रोड की थोड़ी मरम्मत चल रही है, रोड बन रहा है यहाँ का, और उसके बाद हो जाएगा चमचमाता हुआ हमारा मोहल्ला पूरा बेहतरीन। तो ये आए हमारे घर ये छोटे, तू क्या कर रहा भाई?
तोते को पानी। तूने बात करी, तूने बताया क्यों नहीं चची गई है? कब गई कब गई? जब आप गोवा गए तो तभी चली गई। अरे भगा दिया तुमने मेरी बहू को यार, है मैं अकेला रह गया यार। बहुत सही, डालो पानी डालो। तो इधर हमारा दूध गर्म हो रहा। मैंने सुना जब दूध उलने लगता है, मतलब खोलने लगता है, तब हो जाता बढ़िया। तो दूध मेरा वाला है बाहर, ये धीरे धीरे ये बहुत बेहतरीन, इसको पीने का जुगाड़ करो जल्दी। आया आया आया, बंद करो सट अंदर, बेहतरीन। वाह यार सीख गया मतलब मैं दूध गर्म करना। तो ये तो यार बच्चों का खेल है, मतलब ये दूध जब उछलने लगे तो समझो हो गया। तो चलो अपना दूध लेके, बढ़िया बेहतरीन। और अब यह आई, हाँ भाई तेरी सहेली कहाँ भग गई? तो मैंने भगाई तो अकेली पड़ गई। अरे यार मैं खुद पता लगा रात में आ गई, भैया वो चली गई घर छोड़ के। मैंने कहा फ्राई की सहेली चली गई है। क्या कर रही है तू? हाथ काट लेता है क्या? ये अंदर घुसा है टमाटर, कहाँ काट रहा है? ओए ये तो हाथ काट रहा है यार। अरे 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 टमाटर नहीं खा रहा, हाथ काट रहा बालकों का है। तो ये बच्चे लगे हैं हमारे एक पैंट में से रुआ हटाने के लिए, खाए थे रेजर से, बड़ा हुआ है। हाँ यार तू तो टैलेंटेड निकली भाई, है फिर चलो लगे रहो पूरी पैंट पे करना, ठीक है? पूरी पैंट खोलो, अपन अभी जाता है ना के आता है, ठीक है? ठीक है बॉस, ओके बॉस। चले हम नहाने, अब बच्चे लगे हुए हैं और नहा नू के रेडी हो गए निकलना है शूट के लिए। तो गाइस मैं तो हो गया हूँ रेडी नहा धो के, बस थोड़ा सा निकलने वाला हूँ। और इफ्रा रख रही है हमारे कपड़े, क्योंकि मुझे जाना है शादी में, राहुल भाई के भाई की शादी है तो उसमें जाना है। तो वो नहीं है तो भतीजी काम आ रही है। हैं भाई काम तो आ रही है तू, हैं थोड़ी थोड़ी। तो चलो यार मैं रेडी होकर निकलूँ यहाँ से पहले फटाफट। तो गाइस निकल लिए हैं शूट के लिए घर से, और बिजी इंसान ये हमारा दोस्त तो बिजी बहुत रहता है। तो यार निकल लिए शूट के लिए घर से, और घर में तो बिल्कुल बोर बोर लग रहा है यार, क्या करें। बोर तो लगे कई बार जब घर में कोई होगा नहीं। तो बीबी गई हुई अपने घर, बताओ 10 महीने बाद अपने घर गई है, और ऐसा चली गई छोड़ के रहने ही चली गई है। अच्छा चले गए हम गोवा यार, ना गए होते तो बीवी हमारी साथ में होती। तो घर पे तो अच्छा लग नहीं रहा बिल्कुल भी। मैंने कहा चलो यार बाहर जाए शूट वूट देखें अपना। तो निकल रहा हूँ मैं शूट के लिए जाके बाहर, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, मूड ठीक करेंगे, क्योंकि कल से तो मूड ऑफ है यार, बड़ा अकेला अकेलापन लग रहा है। तो अकेलापन ना लगे इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ रहा है इसके साथ, ताकि अकेलापन ना, अगर मैं अकेला जाता तो अकेलापन लगता। रात को डर तो क्यों होता रात को? रात को हाँ यार रात में मुझे डर लगता है। क्यों? पता नहीं क्यों यार, अभी हाँ एक बात बताना भूल गया, वाइफ चली गई तो अकेला सोता हूँ, बड़ा डर लगता है मुझे यार, पता नहीं क्यों मुझे मतलब। और ऊपर से फेसबुक चलाऊंगा तो भूतों की फिल्में आती है तो और डर लगता है। रात में उठता हूँ लाइट जला के सोता हूँ, पता फोटो में ध्यान रखना कहीं ऊपर सुनाया। तू बहुत डरा था साले, याद आती है रात में। तो चलो यार बाय बाय, थैंक यू सो मच। और ब्लॉग देखने के लिए कंटिन्यू ब्लॉग देखा करो हमारे यार, शेयर किया करो, ठीक है? ब्लॉग शेयर किया करो जरूर हमारे। तो बाकी कमेंट में लिखो भाभी जल्दी वापस आ जाओ, पता नहीं कब आएगी, बता ही नहीं रही है कि कब आऊंगी।